हेरो दिदे तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल वेलकम टू आशु व्लॉग्स। और ये वीडियो में वैसे बनाने वाला नहीं था बट बहुत लोगों ने बोला था कि भाई रेगुलर व्लॉग्स आपने बोला था तो रेगुलर व्लॉग्स कहाँ आ गया। तो रेगुलर व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहा था, वही इस व्लॉग पे बोलेंगे। तो पहले ये तो फ्रेम वगैरह अभी ठीक नहीं लग रहा है तो पहले फ्रेम चेंज करते एंड देन आपको बताते हैं रीज़न। तो फ्रेम चेंज करते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये वाला फ्रेम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैंने बोला था कि भाई मैं रेगुलर व्लॉग्स लाऊंगा। अगर आप इंस्टा पे ऑलरेडी फॉलो करके रखे हो तो आप लोगों को पता ही होगा एंड फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पे कहीं पे छोड़ दूंगा इंस्टा लिंक, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। एंड तो बात करते हैं, मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं ला रहा था तो कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था इसी वजह से भाई व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहा था। वैसे तो कॉन्टेंट बहुत मिल जाता मेरे को, जैसे कि ईद वगैरह अभी फेस्टिवल गया हुआ है एंड बहुत कुछ भाई कंटेंट था मेरे पास बट मैं डाल नहीं रहा था। एंड मतलब ये सीन होकर रखा हुआ है कि मोटो ब्लॉग का ज़्यादा कंटेंट डाल रहा हूँ बिकॉज ये चैनल जो है ये मोटो ब्लॉग के ऊपर है एंड लाइफस्टाइल के ऊपर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइफस्टाइल एंड मोटो ब्लॉग ही कवर करें बेफालतू का कुछ और कंटेंट डाल देने से, वैसे आप लोग भी नहीं देखते एंड चैनल का जो TRP है वो भी कम हो जाता है। तो उसके वजह से भाई मैं जो ऐसा कंटेंट लाने का सोच रहा हूँ जो कि आपको देखने मिले एंड आप लोग अच्छे से देख पाओ। करना था आप लोगों से मतलब बहुत लोगों ने ये न्यूज़ कवर कर लिया ऑलरेडी बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने ऑडियंस को बता दूँ कुछ ना कुछ न्यूज़। तो एक न्यूज़ मेरे पास आया था जो प्रैंक हुआ था, मतलब ये आसाम में ही कहीं ना कहीं प्रैंक किया था किसी चैनल ने, वैसे मेरे को पूरा डिटेल मालूम नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया था, मतलब कुछ लोकल विलेज में जाके उन लोगों ने प्रैंक किया था एंड वहाँ के जो लोकल आदमी लोग थे तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ था तो उसके वजह से भाई उन लोगों के ऊपर FIR हुआ था। एंड इसका जो भी वीडियो का क्लिप है वो लास्ट में मैं दे दूँगा। तो उन लोगों का ऊपर मतलब केस वगैरह अभी चल रहा है एंड कुछ सीन भी हुआ था वहाँ पर, तो वो पहले वीडियो चेक कर लो एंड देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये सीन था, आप लोगों ने वीडियो पे देखा ही तो कुछ ऐसा सीन होकर रखा हुआ था वहाँ पे। तो मैं यही प्रिफर करता हूँ कि आप अगर प्रैंक वगैरह बनाते हो या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह बनाते हो तो सोसाइटी से देख के बनाना भाई, बिकॉज ऐसा ना हो कि सोसाइटी को डिस्टर्बेंस हो या फिर आपके वीडियो के थ्रू किसी को डिस्टर्बेंस हो। तो ये सब बहुत सोच समझ के बनाना एंड अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ठीक है आप हैंडल कर पाओगे बट एक या दो अगर आप वीडियो बनाने जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एंड कोई भी एक समझदार को आदमी को ले जाओ अपने साथ ताकि अगर कुछ ऐसा सीन वगैरह हो भी जाए आपके साथ तो वो अच्छे से सेटलमेंट कर सके एंड वो उन लोगों को समझा पाए। एंड हो सके तो भाई ये सबसे बच के रहो एंड पहले या फिर पुलिस स्टेशन से पहले FIR, तो गाइस पहले पुलिस स्टेशन से परमिशन वगैरह ले लो अगर प्रैंक वगैरह बनाते हो या फिर सोसाइटी देख के बनाओ ताकि डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ एंड कल से ब्लॉग वगैरह जो है वो रेगुलर आएगा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, कंटेंट वगैरह तो मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है बहुत एंड आई होप यू लाइक द कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड बाय बाय। तो गाइस ये सीन था, आप लोगों ने वीडियो पे देखा ही तो कुछ ऐसा सीन होकर रखा हुआ था वहाँ पे। तो मैं यही प्रिफर करता हूँ कि आप अगर प्रैंक वगैरह बनाते हो या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह बनाते हो तो सोसाइटी से देख के बनाना भाई, बिकॉज ऐसा ना हो कि सोसाइटी को डिस्टर्बेंस हो या फिर आपके वीडियो के थ्रू किसी को डिस्टर्बेंस हो। तो ये सब बहुत सोच समझ के बनाना एंड अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ठीक है आप हैंडल कर पाओगे बट एक या दो अगर आप वीडियो बनाने जाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पुलिस स्टेशन से परमिशन वगैरह ले लो अगर प्रैंक वगैरह बनाते हो या फिर सोसाइटी देख के बनाओ ताकि डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ एंड कल से ब्लॉग वगैरह जो है वो रेगुलर आएगा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, कंटेंट वगैरह तो मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है बहुत एंड आई होप यू लाइक द कंटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड बाय बाय।